काफी विरोध वहां देखा जा रहा है, छात्रों में नाराजगी है। देखिए मैं इस पर बोल चुका हूं, दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति की, जो वोट के खातिर कुछ भी बोल जाती है। अगर बिहार में सरस्वती पूजा की मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, चाहे मोतिहारी हो या मधेपुरा हो, सहरसा हो या पूर्णिया हो, तो क्या पाकिस्तान में सरस्वती पूजा की पूजा होगी? क्या बिहार हो गया है, सीरिया हो गया है, इराक हो गया है, पाकिस्तान हो गया है? बिहार में सनातन की परंपरा में विद्या की देवी है, कोई नहीं रोक सकता है, कुछ क्षण के लिए भरे लोग रोक ले, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है, पूजा पद्धति है, सरस्वती देवी के विद्या के प्रतीक हैं, लक्ष्मी धन के प्रतीक हैं, काली शक्ति के प्रतीक हैं, इसकी पूजा करने से क्षणिक अपने सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा उस पार्टी को, उस शासक को भोगना पड़ेगा। बिहार में आरजेडी कोटे ने भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए देश में एक नई संस्कृति पैदा हुई है कि मोदी को गाली देते देते टुकड़े टुकड़े गैंग देश के सामर्थ्य पर भी गाली देने लगते हैं, देश के शौर्य पर भी गाली देने लगते हैं, और इसीलिए हर चीज़ में मोदी को गाली देना टुकड़े टुकड़े गैंग का एक नया अभियान चला है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और लगातार वो दावे कर रहे हैं कि बिहार में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन महागठबंधन की स्थितियां जो भी बनी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब सब कुछ सही है। सर आपका क्या अनुमान? हमारा कोई अनुमान नहीं है। पहला तो ये है कि नीतीश बाबू बड़े योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया और देश को परमाणु बम जापान पे गिरा, 12 साल में उसका समाधान हुआ, उठ खड़ा हुआ। ये 17 साल के बाद समाधान देखने गए हैं कि समाधान निकालेंगे। दारू का तो 6 साल में समाधान निकाल नहीं पाए, ये गए हैं गठबंधन महागठबंधन के डर से गए हैं कि नहीं रहेंगे तो कम से कम हम यात्रा में रहेंगे, हमें जवाब सवाल नहीं करना पड़ेगा, और इन्होंने जो वादा किया होगा आरजेडी से उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। देखिए समाज वोट के खातिर जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं वो ऐसा ही काम करते रहेंगे, और देश की जनता और बिहार की जनता, मैं कई बार कह चुका हूँ, इन लोगों में किसी में हिम्मत है? रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ है, भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ है, उसी कुरान भी मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, लेकिन किसी को कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत है? सर तन से जुदा हो जाएगा। और हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा हो गया है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को गाली देना फैशन हो गया है, सनातन के संस्कार और संस्कृति को गाली देना एक फैशन सा हो गया है, आने वाले दिन में इस राज्य के, इस देश का युवा इसका जवाब देगा। बीजेपी कार्रवाई की मांग उठाती है क्या? बीजेपी कार्रवाई की मांग उठा रही है? नीतीश कुमार भी, अरे मैं तो कह चुका ना, नीतीश कुमार तो अभी एक लाचार मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री अगर अपने मंत्रियों को नहीं समझा पा रहा है तो यही कहा जाएगा ना कि धृतराष्ट्र जैसे सत्ता के लिए महाभारत करा दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार में धार्मिक उन्माद फैले, यही वो चाह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लाचार तो आप लोगों ने बना दिया इसलिए क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा उन्हें बिहार को अभी तक नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी किसको बुड़बक बना रहे हैं? 5 लाख करोड़ का है हिम्मत नीतीश कुमार जी के मंच पर हमारे नेता, हमारे मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट चल रहा है ये कह दिया, इसलिए थेट्रोलॉजी उनके पास कोई है नहीं, जनता से तिरस्कृत हो गए हैं। और बिहार को बनाए बगैर हम देश को नहीं बना सकते, इसीलिए 5 लाख करोड़ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में, गाली तो दे रहे थे कि मनरेगा में पैसा नहीं, मैं इस विभाग का मंत्री हूँ,
8 साल में यूपीए में केवल 9,500 करोड़ से भी कम गया, और 8 साल एनडीए में मोदी के समय 30,000 करोड़ यहाँ दिया गया। ये क्या छोड़िए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा 2014 में, सारी पार्टियां तो लगभग एक ये इसी तरह का माहौल था, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। 19 में भी जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना, आज यूपीए सरकार घिरा रहा पूरे अपने कार्यकाल भ्रष्टाचार में, और नरेंद्र मोदी की सरकार 8 साल हो गया ये घिरा हुआ है उम्मीदों पर, यानी नरेंद्र मोदी से आज भी केवल उम्मीद से नरेंद्र मोदी और बेहतर करेंगे, नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाएंगे, नरेंद्र मोदी के कारण आज चाइना इधर और पाकिस्तान भी भयभीत है, नरेंद्र मोदी आज देश के तमाम 135 करोड़ लोग में से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन है, सब नरेंद्र मोदी, आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी, ईमानदारी से कलेजा पर हाथ धर के देखे कि जो बाहर में रहते हैं आप उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया, भारत के लोगों का सम्मान बढ़ गया, नरेंद्र मोदी ये है, और 8 साल यूपीए केवल भ्रष्टाचार से घिरे रहे। पीडीपी, जेडीयू ये सब तो आप लोगों के साथ नहीं है, चिंता मत कीजिए, ने हमारे साथ जनता है। बिहार के मधेपुरा में एक स्कूल में